टाइम था और मौसम बहुत अच्छा था और मेरा मूड भी बहुत ज्यादा अच्छा था, तो मैंने अपने फ्रेंड को कॉल किया और मैंने कहा मेरे साथ घूमने चलो। क्या था, मेरा विल्ला दोस्त भी फ्री बैठा हुआ था, तो उसने कहा ओके चलते हैं। और रास्ते में ही ना मुझे मेरा एक पार्सल रिसीव हो गया मिंत्रा से, जो कि मैंने वहीं ओपन कर दिया, पर मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कि क्या था इसमें। मैंने कहा मेन मोटिव है ना कि मुझे इंस्टाग्राम के लिए रील शूट करना है, क्योंकि मेरा इंस्टाग्राम बहुत ही तेजी से नीचे गिरता जा रहा है। तो मेट्रो लिया और डायरेक्ट पहुंच गया मॉल, और मॉल का व्यू बहुत अच्छा आ रहा था, बट थोड़ा सा लाइट डिम था जिससे कि वीडियो बहुत अच्छी नहीं बन पाती, बट फिर भी मैंने वीडियो शूट किया और मैंने वीडियो बनाया और मैंने वीडियो पोस्ट भी कर दिया इंस्टाग्राम पे, तो प्लीज़ जाके देख लो। सब तो ठीक था यार, पर वहाँ से ना डायरेक्ट हम चले गए फूड कोर्ट पे, और वहाँ हमने बहुत ज़्यादा पैसे खर्चा कर दिए, जैसे हम अंबानी के औलाद हो। मेरा ना मन था टाकोस खाने का, मेरा मन था कि मैं टाकोस ट्राई करूँ कि कैसा होता है। सो मैंने जब उसको खोला ना, तब तो मुझे लगा ये क्या बस पापड़ उठा के दे दिया। रिग्रेट करने के बाद ना मैंने एक बाइट लिया, और मैंने बाइट लेने के बाद ही मुझे लगा ना कि नहीं यार, हमने तो अच्छी चीज़ ऑर्डर की है और इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आया मेरे को, काफ़ी फ्रेशनेस फील आया था इसको खाने के बाद। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा टाकोस खा के, आप भी एक बार जरूर ट्राई करना। यहाँ ना मेरे फ्रेंड कह रहे कि मुझे भी दो, मैंने कहा मैं नहीं दूंगी तुम्हें। और फिर हमने ऑर्डर किया पिज़्ज़ा, जो कि हमारा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने तुरंत ही उसे खाना स्टार्ट कर दिया। और पिज़्ज़ा तो हमेशा ही अच्छा होता है डोमिनोज़ का, तो मुझे यहाँ का पिज़्ज़ा बहुत अच्छा लगता है, तो मैं यहीं का खाती हूँ हमेशा। और हमने छोले भटूरे भी ऑर्डर किए थे, हमने बहुत ज़्यादा पैसे खर्चा कर दिए थे, पैसे इसलिए खर्चा किया था कि घर जाकर वापस कुक करने का मन नहीं था।